हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूर्णिमा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कुक विद पूर्णिमा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं खिली खिली सूजी। सूजी का उपमा ये कैसे बनाते हैं ये देखने के लिए आप शुरू से आखिर तक हमारी वीडियो जरूर देखिए। तो आइए बनाते हैं सूजी का उपमा। उपमा बनाने के लिए हमें चाहिए सूजी, टमाटर, प्याज, हरी मिर्चे, हरा धनिया, फली, जीरा, हल्दी और नमक। इन सब की क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए बनाते हैं। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, करीब 2 चम्मच तेल गरम करेंगे और फिर इसे हम डाल देंगे जीरा, इसके साथ ही हरी मिर्च डाल देंगे और करीब आधा मिनट बाद हम इसमें प्याज मिला देंगे। तो बारीक कटा हुआ प्याज मिला हम करीब 1 मिनट भूनेंगे और उसके बाद मिला देंगे बारीक कटा हुआ टमाटर और टमाटर में करीब 1 मिनट तक भूनना है। अब हम इसमें मिला देंगे हल्दी और स्वादानुसार नमक। तो ये हमने हल्दी और नमक मिला दिया है। अब इन मसालों को थोड़ा सा पकने देंगे और उसके बाद हम इसमें मिला देंगे सूजी। फ्रेंड्स, सूजी का उपमा बनाने के लिए सूजी पहले से ही अच्छे से भून कर रख सकते हैं। यहाँ मैंने सूजी को पहले से भूना नहीं है, इसको मैं साथ ही साथ पकाते समय तेल में ही भून लूँगी। तो सूजी को हम तेल में ही बहुत अच्छे से भूनेंगे। इसे मीडियम आंच पर, लो आंच पर काफ़ी देर तक हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। जब सूजी पकाएंगे तो साइड में पानी गर्म करने रख देंगे और हम इस सूजी में गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि सूजी में गुठलियाँ नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से पक भी जाएगा। अब इस सूजी में हमने पानी मिलाना है। तो सूजी अच्छे से भून गई है और बगल में हमने पानी गर्म करने रख दिया था, तो ये पानी अब हम इसमें मिलाएंगे। सूजी बनाते वक्त एक बात का खास ध्यान रखना पड़ता है और वो है पानी का अंदाज। कई लोग कहते हैं 1 कप सूजी में 3 कप पानी, 1 कप सूजी में 2 कप पानी, कई लोग कहते हैं 1 कप सूजी में 1.5 कप पानी। मेरा ऐसा अंदाज नहीं है, लीटर और मिलीलीटर का हिसाब नहीं है, सीधा सा है। जितना हमने सूजी लिया है, जितना भी कढ़ाई में जितनी सूजी है, तो हम जब इसमें गर्म पानी डालते हैं तो इतना पानी डालना है कि सूजी पूरी तरह से भीग जाए, इतना पानी हमें डालना है। तो इससे क्या है, सूजी अच्छे से फूल जाती है, पक भी जाती है और उसमें एक्सेस वाटर नहीं होता, जिससे कि वो गीली गीली नहीं बनती, ना ही उसमें गुठलियाँ पड़ती है और सूखी भी नहीं बनती। ये देखिए, ये हम पानी मिला रहे हैं, इतना ही पानी मिलाना है कि सूजी पूरी तरह से भीग जाए। देखिए इसे पलट कर, ये पूरी तरह से भीग गई है। तो बस इतना ही पानी हमें मिलाना चाहिए और इसे हम अच्छे से मिलाकर इसे ढककर हम पकने देंगे। आँच हमें मीडियम लो रखनी है, करीब 3 मिनट बाद देखिए सूजी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। ये देखिए उपमा बिल्कुल तैयार है, खिला खिला, न इसमें पानी कम हुआ है न इसमें पानी एक्सेस हुआ, बहुत ही बढ़िया उपमा बनकर तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे हरा धनिया। तो अब हम इसे हरा धनिया से गार्निश करेंगे। साथ ही हमने मूंगफली भून कर रखी थी, तो ये मूंगफली भी इसमें मिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, बन गया है ना एकदम परफेक्ट उपमा, ना ये गीला हुआ है ना ही ड्राई रहा, एकदम बढ़िया परफेक्ट
सूजी का उपमा बनकर तैयार है और अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसके ऊपर हरा धनिया और मूंगफली से गार्निश कर देंगे और ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया प्लेट। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, कमेंट करके बताइए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू। अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।